दोस्तों आज नीलेश कलेक्शन सीरीज पे है टाटा नेक्सॉन और अपने सामने खड़ा है कि नेक्सॉन का बेस मॉडल एक्सी। और आज के इस वीडियो के अंदर हम एक्सी मॉडल का जो मॉडिफिकेशन है वो दिखाने वाले हैं आपको। तो यहाँ पे आप कार का इंटीरियर चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे जो इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट भी हो चुका है, सीटें निकल चुकी है, सीट कवर का फिटमेंट जो है वो रहने वाला है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखें तो इसके फ्लोर के ऊपर अभी आपको जो कारपेट फिनिश है वो मिलती है, यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो। इसके ऊपर कंप्लीट अपनी जो फ्लोरिंग है उसका फिटमेंट भी रहने वाला है। अब क्योंकि ये बेस मॉडल एक्सी है तो आपको पता है कि इस वाले मॉडल के अंदर आपको म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता, उसका अपग्रेड किया जाना है। स्टेरिंग माउंटेड कंट्रोल्स नहीं आते वो लगने हैं, अपने स्टीयरिंग के ऊपर रैपिंग का जो काम है वो किया जा रहा है। रियर की जो पावर विंडोज है वो आपको नहीं मिलती है इस वाले मॉडल के अंदर, यहाँ पे आप इसको लीवर चेक कर सकते हो। तो मैनुअल विंडोज रहती है रियर में, तो यहाँ पे टाटा जनरल वाली जो रियर की पावर विंडोज है उसका फिटमेंट रहने वाला है। म्यूजिक सिस्टम का अपग्रेड है तो जाहिर सी बात है आपको स्पीकर्स भी देखने को मिलने वाले हैं, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो स्पीकर का जो फिटमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है चारों दरवाजों के अंदर। यहाँ पे आप इसका जो रियर डोर है वो चेक कर लीजिए, तो यहाँ पे आपको इन्फिनिटी के प्राइमर सीरीज के साथ जो अपने रियर डोर के अंदर कोएक्सियल स्पीकर्स हैं उनका फिटमेंट देखने को मिल जाता है। और फ्रंट डोर की अगर हम बात करते हैं, फ्रंट डोर के अंदर अपने जो कंपोनेंट स्पीकर्स हैं उनका फिटमेंट यहाँ पर किया जा चुका है कंप्लीट, आप इसको चेक कर सकते हो। रिंग वगैरह के साथ जो है वो कंप्लीट यहाँ पे फिटिंग करी जा चुकी है। ट्यूटर भी लगना है, इसकी प्लेसमेंट ऊपर की तरफ रहेगी। इसके अलावा दरवाजों के अंदर आप देखें तो यहाँ पे अपनी जो डैम्पिंग शीट है वो अंदर की तरफ यहाँ पे इंस्टॉल करी जा रही है, तो डैम्पिंग शीट भी रहने वाली है, यहाँ पे आप इसको भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं इसके लाइटिंग सिस्टम के अपग्रेड की, तो यहाँ पे आप सामने से देख सकते हो यहाँ पे भी अपना जो फॉग लाइट का इंस्टॉलेशन है वो कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है। मिंडा वाले अपने जो फॉग लैम्प्स हैं हैलोजन बल्ब के साथ वो यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं। इसके सराउंड में आप यहाँ पे जो डीआरएल यूनिट है वो भी चेक कर सकते हो। इसके जो हेडलाइट है चाहे वो हाई बीम और लो बीम दोनों के अंदर आपको हैलोजन बल्ब मिलता है, यहाँ पे बल्ब जो है वो निकाला हुआ है, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो ये वाले बल्ब आपको मिलते हैं, इनके बल्ब के अंदर भी रिप्लेसमेंट है और दोनों के अंदर जो एलईडी बल्ब है वो इंस्टॉल किया जाना है। हॉर्न भी चेंज किया जाना है दोस्तों, इसके अंदर आपको मिलता है सिंगल टोन वाला अपना हॉर्न, ये आप इसको चेक कर सकते हैं। इस वाले हॉर्न को अपडेट करके अपने डुअल टोन वाले जो अपने हॉर्न है हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी वाले बॉक्स वहां पर है, तो वाले जो हॉर्न है वो भी अपडेट किए जा रहे हैं। दरवाजों में देखेंगे दोस्तों तो अपनी डुअल लेवल डैम्पिंग का काम जो है वो चल रहा है, यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि अभी अंदर वाली लेयर में जो डैम्पिंग है वो करी गई थी, तो यहाँ पे आप अगला वाला डोर देख लीजिए कंप्लीट, इसके ऊपर आपको डुअल टोन वाली डैम्पिंग है वो देखने को मिल जाती है। यहाँ पर अपनी जो बाहरी लेयर है उसके ऊपर भी काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है और रियर के डोर्स के अंदर जो है वो काम किया जा रहा है। उस तरफ आप देखेंगे तो वहाँ पे जो है अंदर वाली लेयर लगी हुई है, बाहर लगनी बाकी है। यहाँ पे अगर देखते हैं दोस्तों तो अपनी जो पावर विंडोज है उसका फिटमेंट यहाँ पर रहने वाला है। और आप यहाँ पर देखें तो स्विच वगैरह जो है यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, फिटिंग आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके की देखने को मिल जाती है। और चारों पावर विंडो कंट्रोल जो है वो आप ड्राइवर साइड में आपको देखने को मिल जाएगा, यहीं से जो है वो आप रियर की पावर विंडोज को भी जो है ऑपरेट कर सकते हैं कुछ तरीके से। तो यहाँ से ही अपना इसका जो ऑपरेशन है वो रहने वाला है। और यहाँ से आप देखें तो अपना जो विंडो लॉक का फीचर है वो भी आपको वर्किंग देखने को मिलने वाला है। इसी के अलावा जो इसके आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स हैं ये आप यहाँ पे चेक कर रहे हो, तो इसके अंदर भी अपडेट है। इसके अंदर आपको मिलता है वो स्टिक वाला जो कि अपना मैनुअल वाला होता है, तो यहाँ पे अपग्रेड करके ऑटो फोल्ड मिरर जो है वो अपडेट किए जा रहे हैं। और ये भी अपने टाटा जेन्युइन ये वाला इसका बॉक्स जो है ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो, तो जेन्युइन अपने उसके टाटा जेन्युइन अपने आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स हैं वो भी अपडेट किए जा रहे हैं, जिसमें आपको ऑटो फोल्ड का फीचर जो है वो भी मिलेगा और इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट का फीचर है वो भी मिलेगा। तो दोस्तों गाड़ी आ चुकी है अपनी शॉप पर और यहाँ पे जो है अब आप देख सकते हो किस तरीके के जो गाड़ी का लुक है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है और बहुत सारी जो एक्सेसरीज है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। स्टार्ट करते हैं इस गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल से, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो फ्रंट लुक किस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है और क्या क्या चीजें अपडेट करी गई हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर आपको फॉग लैंप्स नहीं मिलते हैं, तो फॉग लाइट का जो फिटमेंट है वो रहने वाला है, तो कंप्लीट आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो हैलोजन बल्ब के साथ है और इसके ऊपर अपनी जो गार्निश है वो भी इंस्टॉल करी गई है, जिसके ऊपर आपको यहाँ पे आप चेक करें तो डीआरएल की फिटमेंट आपको देखने को मिल जाती है और इसके ऊपर आपको क्रोम का जो इंसर्ट है वो देखने को मिल जाता है। ऊपर आते हैं दोस्तों तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसकी अपनी जो लो बीम है और हाई बीम दोनों के अंदर एलईडी बल्ब का जो इंस्टॉलेशन है वो भी किया गया है। आप यहाँ पे इसका जो लो बीम है वो चेक कर सकते हो, एक बार हाई बीम भी इसका ऑन करके आपको दिखा देता हूं। तो अब यहां पे आप देख सकते हो तो इसका अपना लो बीम और हाई बीम दोनों के साथ जो अपना एलईडी बल्ब है वो आपके सामने है, किस तरीके का आपको इसका रिस्पांस वो देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इसके अंदर अपनी जो ये वाली डीआरएल लगी है ये डुअल पर्पस वाली है, डीआरएल पे आप इसको देख चुके हो, तो जिस भी साइड का आप इंडिकेटर पुट करोगे उस साइड में आप जो है ये सिक्वेंशियल टाइप जो है वो ब्लिंक करना स्टार्ट कर देती है, आपके सामने किस तरीके का रिस्पांस है वो आपके सामने है। बाकी इसके अलावा एक यहां पे अपनी जो बोनट वाली डीआरएल है वो भी आपको देखने को मिल जाती है, जो कि कंप्लीट बोनट के नीचे की तरफ आपको देखने को मिल जाएगी, एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक जो है वो यहाँ पे इसकी जो फिटमेंट है वो आपको देखने को मिल जाती है। और इसका जो लुक है एक्चुअल में दोस्तों नाइट के टाइम में आने वाला है, नीचे से दिखा रहा हूँ क्योंकि बोनट के अंदर लगी हुई है, रिफ्लेक्शन के साथ जब इसका रिस्पांस नाइट के टाइम में बहुत ही अच्छा जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अभी आप यहाँ पे देख रहे हो इसका ब्लू कलर, इसके अंदर आपको मल्टीपल आरजीबी है, तो मल्टीपल कलर जो है वो इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। बात आती है अगर साइड प्रोफाइल की दोस्तों, तो यहाँ पे आप कंप्लीट इस गाड़ी का जो साइड व्यू है वो चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें लगाई गई हैं अगर हम उसकी बात करें, तो सबसे ऊपर आप देखें तो यहाँ पे आपको रूफ रेल इस वाले मॉडल के अंदर नहीं मिलती, तो अपनी पियानो ब्लैक और सिल्वर की इंसर्ट के साथ एबीएस क्वालिटी के अंदर रहने वाली रूफ रेल जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है। प्रॉपर फिटमेंट आप इसकी चेक कर लीजिए, नेक्सॉन की प्रॉपर है और इसके अंदर आपको फिट में भी नेक्सॉन की बिल्कुल प्रॉपर ही देखने को मिल जाती है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। और जिसका पैटर्न देने वाला दोस्तों बिल्कुल सेम ओएम वाला है, जिस तरीके से आपको अपर मॉडल के अंदर एक्सएम से मिलना स्टार्ट हो जाता है। रूफ रेल के अलावा दोस्तों
यहाँ पे आप देखोगे तो क्रोम लाइन अपने जो डोर वाइजर हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हो, और नीचे की तरफ आते हो तो यहाँ पे अपने जो डोर हैंडल्स हैं वो आपको क्रोम इंसर्ट इसके ऊपर देखने को मिल जाता है। ये दो तीन एक्सेसरीज जो है पहले से लगी हुई है, लाइक जो अपने व्हील कवर है वो लगे हुए थे, अपने डोर हैंडल और अपना जो अपने डोर वाइजर है वो, बाकी अपने पास भी ये तीनों चीज अवेलेबल है। साइड में अपनी जो क्रोम आता है फुल क्रोम बीडिंग आती है वो भी अपने पास अवेलेबल है, तो अगर किसी को चाहिए तो वो भी लगवा सकता है। बाकी दोस्तों इसका जो आउटसाइड रियर व्यू मिरर है यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर भी अपडेट है वो किया गया है। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो ग्लॉसी फिनिश के साथ जो है इसका अपडेट आपको देखने को मिल जाता है, और इसके अंदर आपको फीचर्स भी जो है वो मिल जाएंगे टॉप मॉडल वाले, जैसे कि आप इसको यहीं से जो है वो फोल्ड अनफोल्ड भी कर सकते हैं। ये अपना गया तो यहाँ पे ये अनफोल्ड हो चुका है, और ये आप देखें तो ये अपना फोल्ड हो चुका है, तो टाटा जेन्युइन अपना ये रहने वाला है। और इसके अंदर अपनी जो फिटमेंट है वो आप इसको देखें तो एडजस्टमेंट भी आप इसकी कर सकते हैं, यहाँ पे अपना चेक कर सकते हैं, तो ये अपना इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट जो है वो भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है। ये कुछ तरीके से जो है ये एडजस्ट भी हो रहा है, तो जिस तरीके से आपको टॉप मॉडल में मिलता है सेम वही अपना यहाँ पे आपको फिटमेंट देखने को मिल जाएगी, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल जो है ये आपको दिए गए हैं। बात कर लेते हैं अगर रियर प्रोफाइल की दोस्तों यहाँ पे क्या क्या अपडेट है। सबसे पहले आप ऊपर की तरफ देखोगे तो यहाँ पे अपना जो पियानो ब्लैक अपना रेडियो एंटीना है शार्क फिन टाइप वो इंस्टॉल किया गया है, कुछ तरीके की आपको इसकी फिटमेंट देखने को मिल जाती है। अपने पास टाटा जेन्युइन का भी ऑप्शन है तो आप वो भी लगवा सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो अपने रियर में रिफ्लेक्टर जो है वो अपडेट किए गए हैं, और ये अपना मैट्रिक्स रिफ्लेक्टर है बेसिकली, और जब इसके अंदर आपको इंडिकेटर पुट करोगे जिस भी साइड का तो इंडिकेटर पे जो है ये ब्लिंक भी करना स्टार्ट कर देते हैं, आपको वो भी दिखाता हूँ। नीचे ब्रेक लाइट जो है वो लगाई गई है जो कि आप रियर फॉग लैंप भी कह सकते हो, और ये जो लाइट है दोस्तों यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो, इस मॉडल के अंदर आपको नहीं आती, टाटा जेन्युइन जो है वो इसका फिटमेंट किया गया है। और दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो इस साइड का जो इंडिकेटर है वो पुट किया हुआ है, तो इंडिकेटर पुट करने के बाद जिस तरफ का आप इंडिकेटर दोगे उस तरफ ये सिक्वेंशियल टाइप जो है वो ब्लिंक करना भी स्टार्ट कर देता है। बाकी भैया ने ये पहले ही लगवाया हुआ था अपना रियर का जो लेग गार्ड है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, नेक्सॉन की ब्रांडिंग के साथ ये पहले भी लगा हुआ था, तो आप भी जो है वो लगवा सकते हैं, अपने पास ऑप्शन मिल जाता है। कैमरे की जो प्लेसमेंट है वो आप यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पर अपनी कैमरे की प्लेसमेंट रखी गई है, सेम ओएम वाली आपको जो फिटमेंट है उसके अंदर देखने को मिल जाती है। आउटपुट जो है इंटरव्यू में चलेंगे फिर आपको दिखा देंगे। बाकी इंटीरियर से अगर हम बात कर लेते हैं कि यहाँ क्या चीजें यहाँ पे लगाई गई हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे तो नेक्सॉन की अपनी यहाँ पे इसका प्लेट जो है वो आपको देखने को मिल जाती है, अपनी ब्लू कलर की लाइटिंग के साथ काफी अच्छा रिस्पांस ये ऑफर कर देती है। रियर डोर की भी अगर आपको दिखा देता हूँ तो रियर डोर में आप यहाँ पे देखो तो इसका साइज थोड़ा सा छोटा होता है। चारों पावर विंडोज जो है वो इसके अंदर अपडेट करी गई है, पीछे की पावर विंडोज आप यहीं से ऑपरेट कर सकते हो या आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, तो कुछ तरीके से आपको जो इसका प्रॉपर ऑपरेशन है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और विंडो लॉक का जो फीचर है वो भी इसके अंदर प्रॉपर वर्किंग रहने वाला है। इंटीरियर आप देखोगे तो यहाँ पे अपने जो सीट कवर्स हैं वो फुल्ली इंस्टॉल कर दिए गए हैं, और यहाँ पे आप चेक कर लीजिए किस तरीके का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल जाता है। सेंटर में आपको 3D बफर डिजाइन जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा, ये आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। कस्टमाइज सीट कवर्स हैं, आपने जिस तरीके के सीट कवर चाहिए वो अपने हिसाब से बनवा सकते हैं। इसी कॉम्बिनेशन के साथ जो अपने स्टीयरिंग व्हील है उसके ऊपर भी आपको रैप जो है वो देखने को मिल जाता है, और इसकी भी फिनिशिंग आप यहाँ पे चेक करिएगा किस तरीके की आपको देखने को मिल रही है। तो प्रॉपर फिटमेंट के साथ जो है इसका यहाँ पे जो इंस्टॉलेशन है वो किया गया है, काफी अच्छा जो गाड़ी का जो इंटीरियर है वो आपको देखने को मिल जाता है, ये आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। मैचिंग के साथ जो है वो रहने वाला है, डुअल टोन का स्टीयरिंग है मून डिजाइन के साथ। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो अपना स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल्स ये भी अपडेट किए गए हैं, और यहाँ पे प्रॉपर पेयर्ड रहने वाले हैं म्यूजिक सिस्टम के साथ में, वॉल्यूम प्लस माइनस अपना म्यूट एंड म्यूट के जो बटन है वो सारे वर्किंग आपको देखने को मिलने वाले हैं, बीटी के जो बटन है वो भी वर्किंग देखने को मिलने वाले हैं, तो सारा कुछ अपना जो कंट्रोल्स है वो आपको देखने को मिलने वाले हैं, टाटा जेन्युइन लगाए गए हैं। और जिस तरीके की इसकी फंक्शनैलिटी है, जिस तरीके से आपको टॉप मॉडल वगैरह में फीचर्स मिलता है, सारे कुछ जो इसके फीचर्स हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखोगे तो अपना टच स्क्रीन सिस्टम लगाया गया है जो कि बेसिकली हाइपरसोनिक का रहने वाला है, और इसके रिस्पांस वगैरह की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखिएगा तो कुछ तरीके का अपना जो है टच का रिस्पांस इसके अंदर देखने को मिल जाता है, ये आपके सामने है ये देख सकते हैं आप, तो काफी क्विक रिस्पॉन्सिव जो टच स्क्रीन है इसके अंदर आपको देखने को वो मिल जाती है। और इसके फीचर्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे अपना यूट्यूब दिया गया है, इसके अलावा यहाँ पे अपना देखें तो आपको क्रोम वगैरह मैप है, प्ले स्टोर मिल जाता है, तो जो से एप्लीकेशन आप डाउनलोड करनी है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। स्पेसिफिकेशन अगर हम बात कर लेते हैं क्या स्पेसिफिकेशन है, तो सेटिंग में जाकर के आप इजीली जो है वो चेक कर सकते हो, यहाँ पे मिशन में जाकर आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन आएगी। 2GB रैम और 16GB इंटरनल स्टोरेज के साथ जो सिस्टम है ये इंस्टॉल किया गया है। रियर व्यू अपना कैमरा जो है वो भी लगा है, और कैमरे का रिस्पॉन्स किस तरीके का है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, डे के टाइम में किस तरीके का जो रिस्पॉन्स है वो आपको इस वाले कैमरे से देखने को मिल जाता है। नाइट के टाइम में बिल्कुल क्लियर रहने वाला है, तो आपको जो है गाड़ी पार्क करने में कहीं भी कोई परेशानी जो है वो इसके अंदर नहीं आने वाली है। इसको बंद कर देते हैं, बाकी ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे जो इसका इनसाइड रियर व्यू मिरर है इसके अंदर आपको डे नाइट का एडजस्टमेंट जो है वो देखने को मिल जाता है। इस वाले कार के अंदर जो मिरर आता है वो छोटा होता है साइज में, और एडजस्टमेंट भी नहीं होती है उसके अंदर, तो इसमें आपको मैनुअल दिया गया है तो आप इसको जो है वो यूज कर सकते हैं। नीचे देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे अपने जो मैट्स हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं कंप्लीट, अपने जो मैट ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, और इसके नीचे अपनी कंप्लीट जो फ्लोरिंग है डाई वाली
वो फिट करी गई है। यहाँ पे आप इसको भी देख सकते हैं, तो डाई वाले फ्लोरिंग के साथ अपनी मैटिंग जो है वो लगाई गई है, ये आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। हैंडल जो है वो भी अपडेट हो चुके हैं, यहाँ पे आप एक चेक कर लीजिए। दूसरा अपना जो हैंडल है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, और दोनों ही जो है टाटा जेन्युइन वाले यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं। ग्लोव बॉक्स अंदर चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो तो लाइट का जो फिटमेंट है वो भी किया गया है, जो कि एक्सी मॉडल के अंदर आपको नहीं मिलता। एक बार इस कार का आपको मैं रियर व्यू दिखा देता हूं, तो यहां पे आप देखेंगे तो रियर में किस तरीके का आपको फिटमेंट वगैरह देखने को मिल जाता है। इसका फ्लेट मैं आपको दिखा चुका हूं, रियर के सीट कवर आप देख लीजिए कैसी फिटमेंट आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है। आप यहां पे चेक कर लीजिए, प्रॉपर आपको बकेट फिटेड जो सीट कवर्स हैं वो इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। प्रॉपर आपको कुछ नहीं मिल जाएगी, काफी कंफर्टेबल जो सीट कवर्स हैं वो यहां पे इंस्टॉल किए गए हैं, और दोनों के पीछे आपको यहां पे पॉकेट्स भी मिल जाती हैं। नीचे की तरफ अपना सेम रहने वाला है सीट अपना, देख सकते हो कंप्लीट जो फ्लोर है वो आप यहां पे चेक कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों आप यहां पे देखोगे तो रियर में अपनी पावर विंडो जो है वो भी इंस्टॉल करी गई है, और किस तरीके का स्विच आता है वो भी आप यहां पे चेक कर सकते हो। सेम ओरिजिनल टाटा जेन्युइन वाला अपना स्विच जो है वो यहां पे इंस्टॉल किया गया है, कुछ तरीके से अपना ये रहने वाला है, ये आप यहां पे चेक कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि डुअल लेयर वाली अपनी डैम्पिंग शीट है वो इंस्टॉल करी गई है, उसका कंप्लीट काम जो है पैक हो चुका है। स्पीकर्स लगे हैं वो भी पैक हो चुके हैं। बाकी आप बूट में देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे एक अपनी पार्सल ट्रे जो है उसका भी यहाँ पे फिटमेंट किया गया, टाटा जेन्युइन रहने वाली है, और यहाँ पे इसको जो आप देख सकते हो इम्बोस लोगो आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको एक कैबिन लैंप जो कि बूट लैंप बेसिकली इस वाली कार के अंदर आपको नहीं मिलता बेस मॉडल के अंदर, ये भी यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। लुक वाइज कार कैसी लग रही है आपके सामने है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हैं। अब मिलते हैं एक बार इस कार के ओनर से, वो जानते हैं कि जितना कुछ काम किया गया है उससे उनका क्या रिस्पॉन्स रहा है। सर सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम गोविंद है। गोविंद, और सर आपका? मानस। मानस, तो सर आप कहाँ से आए? हम गाजियाबाद से आए हैं। तो यहाँ के बारे में आपको कैसे बजरा नीलेश का एक्सेसरीज के बारे में? बेसिकली तो मैंने गूगल में ही सर्च किया, यूट्यूब देखे, उसके बाद मैंने तीन शॉर्ट आउट किए कि कहाँ कहाँ जाना है मुझे, तीनों से बात की और लास्ट में हमने नीलेश को ही चुना। तो तीन में से आपने नीलेश का एक्सेसरीज को चुना, कोई खास रीज़न? रीज़न तो वही जो फीडबैक मुझे यूट्यूब के थ्रू और गूगल के थ्रू मिली। तो अभी आपने काम करवा लिया, फेल भी कर लिया है, तो जो चीज़ हम लोग वीडियो में दिखाते हैं वैसा ही सारा कुछ रहता है या फिर कुछ चेंज ज़्यादा यहाँ पर आने के बाद? नहीं नहीं, काफ़ी कुछ तो वैसे ही हुआ, और चूंकि हम थोड़ा टाइम से आ गए थे तो काफ़ी हमारी गाड़ी में तेज़ी से काम, पर टाइम से काम हो गया। तो जितना मतलब अपने एक्सेसरी चाहिए थी, जो जो एक्सेसरी चाहिए थी आपको, सारी कुछ यहाँ पे मिल गई? हाँ, सारी एक्सेसरी मिल गई, चॉइस भी मिली। कैसा रहा उन चीज़ों का? नहीं, चूंकि हम भी काम तो अच्छा ही कर रहे थे पर फिर भी हम मौजूद रहे वहाँ पर, तो काम अच्छा ही लगा। तो नंबर देना हो 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे आप? 10 में से 9 नंबर। 10 में से 9 नंबर। भैया आपका कैसा रिस्पॉन्स रहा? बढ़िया। कोई कुछ आप आपकी तरफ से कितने नंबर देना चाहोगे सर आप? सेम 10 में से 9। 10 में से 9 नंबर। पेमेंट आपने कितनी कर दी है? 88,000 रुपीज़ आपका सारा काम हुआ है, तो ये अपना वर्थ है सर ये सारी वैल्यू? हाँ, वैल्यू चूंकि मेरे को तो ठीक ही लगी, क्योंकि बाकी मैंने दो डीलर के साथ भी कंपेयर किया था। तो मतलब और अगर मैं पूछूं जैसे कि आप फीडबैक वगैरह लेकर के आए हो, रिव्यूज़ वगैरह देख करके आए हो, तो आप काम हो चुका है तो ये वर्थ है सारा कुछ? हाँ, सारा वर्थ है। ठीक है सर, आपका फीडबैक हमारे लिए वैल्यूएबल है, और आपने अपना कितनी समय हमें दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, थैंक यू।